पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में बेबी केयर सेंटर में लगी आग के मामले में दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार शख्स में से एक केयर सेंटर का मालिक नवीन चींची है और दूसरा उसका सहयोगी है। इस बेबी केयर सेंटर में नवजात बच्चों को रखा जा रहा था। वहां शनिवार की रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। केयर सेंटर में आग लगी और 7 बच्चों की जान चली गई। 5 बच्चे घायल हो गए हैं। और इस बेबी केयर सेंटर में जो NDTV की पड़ताल है उसमें कई सवाल जो है वो उठते हुए नज़र आ रहे हैं। 31 मार्च को ही इसका जो लाइसेंस है वो ख़त्म हो गया था और उसके बाद भी ये बेबी केयर सेंटर जो है वो चल रहा था। इसके अलावा सिर्फ 5 बेड की ही यहाँ पर इजाज़त थी और 12 नवजात यहाँ पर इन्होंने भर्ती किए हुए थे। तीसरी बड़ी बात जो निकल कर आई है NDTV की पड़ताल में, वो ये है कि नवजात बच्चों की देखभाल के लिए अयोग्य थे ये डॉक्टर और अस्पताल में अग्नि सुरक्षा उपकरण जो है वो भी नहीं थे। अस्पताल से निकलने के लिए इमरजेंसी दरवाज़ा तक इस नर्सिंग होम में नहीं था, जिसके चलते ये स्थिति और बिगड़ी। इस बेबी केयर अस्पताल के दिल्ली में 4 और ब्रांच हैं।